नमस्कार, जयदेश न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। इन दिनों बंगाल कोलकाता में जो डॉक्टर के मर्डर केस का खुलासा हुआ है, उसको लेकर गहमा गहमी का माहौल है। वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन देखे गए, वहीं कैंडल मार्च भी निकाली गई। बीएचयू जैसे विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स भी आंदोलन पर बैठ चुके हैं। वहीं अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में ले लिया है। इसी उपलक्ष्य में आज हम सी मेडिकल के फाउंडर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर बंगाल में जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ, गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई, उस पर ये भी एक डॉक्टर हैं, इनका क्या रिएक्शन है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, एज ए डॉक्टर भी ये बहुत दुखद है और आम आदमी के साथ भी यदि होता तो मैं कहता कि ये बहुत दुखद है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं ये बहुत ही गलत है और समाज को पता नहीं क्या हो गया है और समाज में कैसे लोग आ गए हैं या हमारे राजनेता कैसे हो गए हैं कि इन लोगों को प्रसरित रहे हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इस तरह का कार्य नहीं हो सकता। जहां एक तरफ रेप केस में अपराधी को सजा मिलना चाहिए, वहीं राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। राजनीति तेज होनी है, ये तो ममता बनर्जी जो है, अभी तो नाम आना बाकी है, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में ले लिया है, तो बातें खुल के जो है सामने आ जाएंगी कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रिंसिपल का ये कहना कि 4 घंटे के बाद उसके परिवार को बताना कि उसने सुसाइड कर लिया है, ये अपने आप में दिखाता है। आप 2 दिन के अंदर जो है वहाँ रिनोवेट करने की क्या जरूरत है, जहाँ पर घटना हुई, जहाँ एविडेंस जो है जहाँ से लिया जा सकता है उसको रिनोवेट करा दिया गया, और किसी मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा कांड होने के बाद उसका रिनोवेशन जो है बिना मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर आए, ममता जी खुद ही इसमें इन्वॉल्व हैं और इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है जिसमें महिला का अपहरण करके बलात्कार किया गया, उसको लेके काफ़ी हल्ला भी मचा, लेकिन हुआ उसका कुछ नहीं, इसलिए उसका मन बढ़ गया है। और हम तो कहते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है ममता बनर्जी इस्तीफा दें, डॉक्टरों को ये डिमांड करना चाहिए और साथ ही केंद्रीय सरकार को जो है इसको संज्ञान में लेके जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लगातार कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अपराधी अरेस्ट होने के बावजूद उनके साथ जो संलिप्त लोग हैं उनका खुलासा नहीं हो पा रहा है। अपराधी का आज साइकोलॉजी टेस्ट भी होने वाला है। ये तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है, सारे गुंडे जो है बंगाल के इस समय तृणमूल कांग्रेस में हो गए हैं या जो तृणमूल कांग्रेस के हैं कहिए उल्टा के वही गुंडे हो गए हैं, और अपराधी ही जब पार्टी में शासन में रहेगा तो अपराध तो होना ही होना है। डॉक्टर साहब, ऐसी ही घटना बनारस यूनिवर्सिटी में हुई थी, उसमें भाजपा का नेता सामने आया था, तब इस तरह की गतिविधियां फिर आगे क्यों नहीं हुई? वही तो कह रहा हूं ना कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये लोग किसी स्तर पर भी जाना चाहते हैं, और वही ममता बनर्जी भी कर रही हैं और यहाँ भी वही हुआ। आज जो है कौन संज्ञान ले रहा है, जो घटना हुई बीएचयू में जिस तरह घटना अब चर्चा में आ रहा है, दबा दिया गया उसको। पहले भी लोग दबाने की कोशिश किए लेकिन जब नहीं दबा तो वो लोग सामने आ गए, लेकिन अभी भी उनको मदद करने वाले वही लोग हैं जिस पार्टी में होते हैं। दिल्ली नोएडा की आज एक तस्वीर सामने आई है, वायरल वीडियो, जिसमें देखा जा सकता है एक दिन दहाड़े एक महिला जा रही है, 5 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं और सड़क पे उसके साथ भी छेड़खानी की गई, मीडिया कर्मी के साथ। मैंने खुद ही जो है DGP को हमने मैसेज किया कि ऐसे लोगों को सादे वर्दी में लगा दीजिए, पकड़िए उन सबों को और उसी लड़की से चप्पल से पिटवाइए वहीं सेक्टर 18 में, ताकि दिमाग ठंडा हो जाए। ये भी मांग हो रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। एकदम, मैं भी डिमांड कर रहा हूँ ममता बनर्जी को खुद रिजाइन करना चाहिए या सरकार को जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, तभी लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि गुंडा राज जो है पूरा राज ही गुंडा हो गया है ऐसा लग रहा है। विरोध, कैंडल मार्च ये तो सभी कर रहे हैं लेकिन असलियत में जमीनी स्तर से देखा जाए तो उस डॉक्टर को इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा जब अखिलेश जी जैसा आदमी नेता, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, वो ममता जी को सपोर्ट कर रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि ममता जी पहले वाली घटना में भी और इस घटना में किस तरह से बचाना चाहती हैं अपराधियों को, कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। हम कह कम से कम कुछ नहीं तो 120B में ही नाम डाल दो ना, ममता बनर्जी निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्व होंगी। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि सियासी पारे से हट करके इसको मानवीय तरीके से सोचना चाहिए और चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी ऐसी महिला हो, उसके साथ इस तरह का अगर जघन्य अपराध हो रहा है तो तत्काल उसे सजा मिलनी चाहिए? तुरंत मिलनी चाहिए, लेकिन मैं पहले भी कहा हूँ कि ये जो बलात्कार और ये सब चीज़ें चल रही हैं इसको सामाजिक सरोकार से जो है लेना चाहिए और सिर्फ कानून से जो है इसको ठीक नहीं किया जा सकता।
समाज में बदलाव की जरूरत है, संस्कार डालने की जरूरत है। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गए, परिवार के लोग अपने बच्चों को देख नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। परिवार को जोड़ना होगा और सामाजिक सुधार लाना होगा, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इन्होंने भी आक्रोश जताया कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये जघन्य अपराध सामने आया है और लगातार इस तरह के केसेस उजागर हो रहे हैं इस केस के बाद भी, इस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए। और इसी के साथ आगे हमारे चैनल में और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, ब्यूरो रिपोर्ट जयदेश।